दोस्तों, ईसा के सोलर ऑर्बिटर के ट्विटर हैंडल ने कल 14 सितंबर 6:34 पर ये ट्वीट किया कि भाई हमने एक 65 साल पुरानी कॉस्मिक मिस्ट्री जो है सूरज से रिलेटेड, उसको हमने सॉल्व करने के कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं और इसके अंदर हमने मदद ली है पार्कर सोलर प्रोब की। यानी ईसा का सोलर ऑर्बिटर और नासा का पार्कर सोलर प्रोब दोनों ने मिलकर साठ गांठ चलाकर एक ऐसी मेजरमेंट ली है जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग है और उसने 67 इयर्स ओल्ड सूरज के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में अपन तीनों चीज़ें देखने वाले हैं कि मिस्ट्री क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया गया, उसको सॉल्व करना क्यों ज़रूरी था और हमें क्या पता चला है सूरज के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं सूरज की दोस्तों, तो इफ़ वी टॉक अबाउट सन, तो हमारा जो सूरज है उसके अंदर कुछ फिनोमेनाज ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। हमारा आदित्य मिशन भी उन्हीं फिनोमेनाज को पढ़ने के लिए L1 पॉइंट पर जा रहा है। सूरज का जो कोर है वो तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका जो अपर सरफेस है वो 6000 डिग्रीज पे है और जो उसका बाहर का एटमॉस्फेयर है जिसको हम कोरोना कहते हैं वो जो है वो 15 से 17 लाख डिग्री के टेम्परेचर पे है। तो सवाल ये आता है कि कोर जो है वो मेन हीट का सोर्स है, उससे जो गर्मी निकलती है अगर वो गर्मी सरफेस तक आते आते सिर्फ 6000 डिग्री तक का ही टेम्परेचर दे पा रही है तो फिर एटमॉस्फेयर को इतना गर्म आपने कैसे कर दिया। तो सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्मी कहाँ से पाता है, उसको गर्मी कहाँ से मिलती है। अगर हम इस विजुअल को देखें तो इस विजुअल के अंदर हम देख सकते हैं सूरज है जिसके चारों तरफ एक रिंग है जिसको हम कोरोना कहते हैं और वहां से कोरोनल मास इजेक्शन होता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में दूर तक अपना इम्पैक्ट फील करवाता है। अब ये सारे जो फिनोमेनाज हैं सूरज के कि इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, क्यों सूरज को गुस्सा आता है, क्यों सूरज इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये जो मास फेंकता है जो कि लंबी दूरी तक एक बड़े घेरे तक अपना इम्पैक्ट करता है जिसके इफेक्ट में अर्थ भी आती है और अर्थ के ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है कि अगर हम डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में आ गए तो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें नहीं बचा पाएगा। तो जब इसको थोड़ा बारीकी से देखा गया तो ये पता चला भाई सूरज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है कभी कभी वो इस तरीके से बिखर जाता है और जब वो ऐसे बिखरता है तो उसके साथ जो कोरोनल मास निकलता है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ और बहुत हाई एनर्जी के मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ जब भागता है और अगर आप उसकी लाइन ऑफ फायर में आ गए हो तो नुकसान आपको पहुंच जाएगा। ऐसे ही कुछ और विजुअल्स हैं यहाँ पर भी देखें तो इसके अंदर हमें जो दिख रहा है ये जो विजुअल है ये बता रहा है कि जो सूरज का सरफेस है और ये जो हमें यहाँ पर ब्राइट रिंग दिख रही है, ये जो ब्राइट रिंग है ये इसका कोरोना है जो 15 से 17 लाख डिग्री पे है, सरफेस जो है वो 6000 डिग्री पे है और यहाँ पर ये जो हमें दिख रहे हैं गोल गोल लूप्स हमें जो यहाँ पर दिख रहे हैं इसके अंदर से हाई एनर्जी के पार्टिकल्स को थ्रो किया जाता है, हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड्स को थ्रो किया जाता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आ गया था कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो 65 साल पुरानी मिस्ट्री थी वो यह थी कि सूरज जो है उसका सरफेस काफ़ी ठंडा है एज़ कम्पेयर टू उसका बाहर का जो एटमोसफेयर है। अब उस एटमोसफेयर को पढ़ने के लिए क्या किया गया तो हम इस विजुअल को देखते हैं। ये जो विजुअल है ये ईसा ने रिलीज किया है और ईसा ने एक जॉइंट सोलर ऑब्जर्वेशन करी है। किस किस की मदद ली है ईसा ने, तो हम यहाँ देखें तो ईसा ने उनके सोलर ऑर्बिटर की मदद ली जिसके ऊपर मैटिस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। मैटिस का खास बात यह कि उसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है जो सूरज के एक पर्टिकुलर पार्ट को छिपाकर उसके आउटर पेरिफेरी की रीडिंग ले पाती है। तो यहाँ पर मैटिस इंस्ट्रूमेंट ने एक मास्क लगाकर सूरज के ऊपर मास्क लगाया और उसके बाहर के जो कोरोना है बाहर का जो पार्ट है उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है। हमने मदद ली नासा के पार्कर सोलर प्रोब की। तो अगर मैं इस इमेज को देखूँ, इस इन्फोग्राफिक को देखूँ तो यहाँ पर हमारा सोलर ऑर्बिटर है, ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन पार्कर सोलर प्रोब की, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब तो सूरज के बहुत पास तक जाने की क्षमता रखता है, वो सूरज के पास 60-70 लाख किलोमीटर पास तक जा सकता है। हम अभी सूरज से, धरती जो है वो सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, आदित्य मिशन जो है वो सूरज से तकरीबन 14.85 करोड़ किलोमीटर दूर रहने वाला है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सूरज के पास जा सकता है, उसकी दूरी सूरज से सिर्फ
60 से 70 लाख किलोमीटर होगी। तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब सूरज के पास से निकल रहा है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उनको हम कहते हैं इन सीटू ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब हम इतने पास पहुँच गए हैं सूरज के तो हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम उसको कहते हैं इन सीटू ऑब्जर्वेशन। वहीं ये जो दूर से ऑब्जर्वेशन करी जा रही है ये हम इसको बड़े पैमाने पे देख रहे हैं, यानी कंप्लीट बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, पूरे सूरज में क्या फिनोमेना हो रहे हैं वो देखता है ईसा का सोलर ऑर्बिटर। और पार्कर सोलर प्रोब यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो पास से रीड करता है। अब हुआ ये कि जब दोनों को अलाइन किया गया इस तरीके से कि जो मैटिस का व्यू यानी जो सोलर ऑर्बिटर जो देख रहा है सूरज की डिस्क को उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, अब ये बड़ा खतरनाक काम किया गया। क्यों? क्योंकि जब ऐसे मनूवर्स किए जाते हैं तो वो बहुत पहले ही ग्राउंड पर ही उनके बारे में डिसीजन ले लिया जाता है और कैलकुलेशन कर ली जाती है, क्योंकि आप वहां पर जब आप सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और आप वहां पर अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपसे अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका ऑर्बिटर यानी आपका जो स्पेस क्राफ्ट है वो आप सदा के लिए खो सकते हैं, वो ऐसी स्टेट में जा सकता है जहाँ से आप उसको रिकवर नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन टूट सकता है। और ऐसा होते होते बचा भी था सोहो के साथ जो L1 के ऊपर चक्कर काट रहा है जो ऑब्जर्वेटरी, उसके साथ एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कुछ मेंटेनेंस के वर्क के टाइम पे कुछ कमांड आगे पीछे होने के चलते उससे कनेक्शन एकदम से अचानक से टूट गया था। और फिर ये डर बैठ गया था कि कहीं हम उस पूरी ऑब्जर्वेटरी को ही लॉस में मतलब उसको खो ना दें, कहीं वो कहीं इधर उधर गायब ना हो जाए जहाँ पे हम उसे कम्युनिकेट ना कर पाए। तो अब यहाँ पर जब ग्राउंड स्टेशन के एक्सपर्ट से बात करी गई कि भाई हमें कुछ ऐसा मनूवर करना है जहाँ पे हमें हमारे जो सोलर ऑर्बिटर है ईसा को उसको थोड़ा सा एक एंगल पे घुमाना है जिससे कि हम सूरज के साथ साथ पार्कर सोलर प्रोब को भी देख सकें, तो ये माना जाता है कि उन्हें बोला था नहीं नहीं शायद इसके लिए वो मना कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी मनूवर है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें सूरज का जो सबसे बड़ा कॉस्मिक सीक्रेट है कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है उसके बारे में आंसर मिलेगा, तो ग्राउंड स्टाफ ने भी बोला, जो मिशन ऑपरेशंस वाले जो कंट्रोल वाले थे उन्होंने भी बोला हाँ भाई चलो कर दिया जाएगा, एक बार एक चांस लेके देखते हैं, एंड दे डिड दैट। और जब उनने ऐसा किया और उन्हें जब ये ऑब्जर्वेशन मिली तो इस ऑब्जर्वेशन ने ये कन्फर्म करा कि ये इमेज जो हम देख रहे हैं ये इमेज सारे सवालों का जवाब है, ये कंप्यूटर सिमुलेशन है जो सूरज के सरफेस के लिए किया गया। ये कंप्यूटर सिमुलेशन कुछ इस तरीके से है जैसे कि मान लो आपके हाथ में एक गर्म कॉफ़ी का कप या चाय का कप है, जब हम कॉफ़ी या चाय के कप को घुमाते हैं चम्मच से जब उसको स्टिर करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं गोले बनते हैं जिनको हम वोर्टिसेस कहते हैं, वो जो वोर्टिसेस हैं वो कारण होते हैं हीट ट्रांसफ़र का, जिसके चलते जो हवा है वो हीट को ले लेती है और हमारी चाय या कॉफ़ी को उस लोकल लेवल पे ठंडा करने लग जाती है, तभी तो हम चम्मच से जब उसको हिलाते हैं तो वो ठंडे होने लग जाती है। लेकिन अगर इसी फिनोमिना को हम सूरज पे अप्लाई करें तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि सूरज के अंदर जब ऐसे फिनोमिना होते हैं, ऐसे टर्बुलेंसेज होते हैं, उन टर्बुलेंसेज को अगर हम उसी कॉफ़ी के वोर्टिसेस के जैसे या चाय के वोर्टिसेस के जैसे देखें जहाँ पर वो छोटे छोटे गोले बन रहे हैं, करंट्स बन रहे हैं छोटे छोटे जो ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं लिक्विड को, जिसके अंदर जिसके कारण चाय में टर्बुलेंस आ रहा है, जिसमें वो मिक्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर हवा थोड़ी ना जो हीट को लेकर चली जाए। तो होता यह है इन गोलों के कारण, इस टर्बुलेंस के कारण रेदर टेम्परेचर और बढ़ने लग जाता है। अब सूरज के हम सरफेस की बात करें तो सूरज जो है उसके ऊपर हर सेकेंड मिलियंस ऑफ ब्लास्ट हो रहे हैं। वो जो ब्लास्ट हैं उनको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो मान लो कि एक साथ आप लाखों 10 मेगाटन के लाखों एटम बम फोड़ें और आप ऐसा बिलियंस ऑफ सालों तक करते रहें, तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सूरज जनरेट कर रहा है। साथ में सूरज के ऊपर ये जो हाई एनर्जी स्टेट में प्लाज्मा घूमता है, तो प्लाज्मा होता है जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी है और उसके अंदर आयंस होते हैं यानी चार्जेस होते हैं। अब जब चार्ज भागता है तो वो करंट बनाता है और भागता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। अब यहाँ पर भागते हुए चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्बुलेंसेस के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं और उन्हीं गड़बड़ियों के चलते हमें कुछ ऐसी इमेजेस मिलती है। तो ये एक स्पेक्यूलेशन था, ये एक ऑब्जर्वेशनल डिस्कवरी थी जब हमने डेटा को ऑब्जर्व किया और हमने ये चीज़ प्रपोज करी थी कि शायद ये कारण होगा। लेकिन अभी ये जो मनूवर किया गया जहाँ पर ईसा और नासा दोनों ने कोलैबोरेटिव एफर्ट करके सूरज को पास से और दूर से एक साथ एक ही एंगल पे पढ़ा, तो उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि सूरज का जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है सरफेस का और उसके एटमॉस्फेयर का, उसका मेन कल्प्रिट टर्बुलेंसेज हैं। अब सवाल उल्टा पड़ जाता है, अब सवाल ये है
कि ये टर्बुलेंसेज जो है ये ऐसे ही क्यों हैं, इनका कारण क्या है। तो दोस्तों ऐसा है, सूरज बड़ा ही मिस्टीरियस है और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और बहुत सारे ऐसे भेद खुलने हैं और अभी तो आदित्य को L1 पर पहुंचना है और उसको भी अपना डेटा साझा करना है, सबके साथ शेयर करना है, ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को उस इनपुट का भी इंतजार है, तब जाकर और भी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज सूरज के बारे में जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना और मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।